बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मुमताज़, यूट्यूब चैनल फार्मेसी से। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों वीडियो की जानकारी चलने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुँच सके, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों बात करते हैं आज फ्लैजल सिरप के बारे में, जानते हैं फ्लैजल कौन से डिजीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ये कौन से फार्मूले में तैयार किया गया है, इसके अलावा इसके क्या यूजेज है और इसके क्या डोजेज, और किस उम्र के किस एज के बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। ये बड़ों के लिए भी है या सिर्फ बच्चों के लिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम फ्लैजल के फार्मूले के बारे में जानते हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है बेंजोइल मेट्रोनिडाजोल, ये इसका फार्मूला है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें बेंजोइल मेट्रोनिडाजोल कितने मिकदार में शामिल किया गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पर 5 ml में 200 mg इसमें मेट्रोनिडाजोल शामिल किया गया है। तो दोस्तों पर 5 ml में 200 mg मेट्रोनिडाजोल है इसमें। तो दोस्तों जानते हैं ये किस लिए होता है। तो असल में दोस्तों जो एंटी बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं, जैसे एंटी एमोबिक एंड एंटी इन्फेक्टिव जो डिजीज़ होते हैं, बाज़ अवकात ऐसा होता है कि बच्चों में डायरिया का मसला हो जाता है, तो डायरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और बाज़ अवकात इस तरह होता है कि हमारे खुराक के नाली में सोजिश या जलन या दर्द महसूस होता है हमारे गले में, या इसके अलावा हमारे मुंह में छाले बन जाते हैं, या किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है हमारे मुंह में जो दांतों के आसपास होते हैं या ज़बान पे होते हैं, तो उसे आप एंटी बैक्टीरियल कह सकते हैं। बाज़ों का इसे फंगस इन्फेक्शन कहा जाता है, लेकिन क्योंकि ये मैदे की वजह से होते हैं, तो मैदे की वजह से अगर मुँह में छाले बन जाते हैं तो इस हिसाब से ये एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा आंतों की सोजिश जो होती है, ये सोजन कहते हैं। इसके अलावा किसी किस्म का कोई गर्माइश जो हमारे लीवर पे हो सकता है, या क्रोनिक लीवर का मसला हो, या डायरिया के अलावा पेट में किसी किस्म का दर्द, मरोड़ वगैरह, ऐसी कंडीशन जो कि शदीद अजियतनाक हो, तो इस कंडीशन में फ्लैजल यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि ये एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फेक्टिव सिरप है। इसके अलावा इसके और बहुत से फ़ायदे हैं, काफ़ी डिजीज़ में ये इस्तेमाल किया जाता है, ख़ासकर प्रेगनेंसी के बाद जो है इसको काफ़ी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन करते हैं फीमेल में, तो उसके साथ कोई एंटीबायोटिक वगैरह होता है, इसीलिए इसको एंटी बैक्टीरियल को भी साथ में देते हैं, जो कि इन्फेक्शन को ख़त्म करने में कारामद होता है। तो दोस्तों फ्लैजल इसके अलावा और काफ़ी डिजीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादातर अक्सर बच्चों के लिए फ्लैजल को इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम बच्चों के बारे में जानते हैं। अगर बच्चों में डायरिया का मसला है, या खूनी पेचिस का मसला है, या किसी किस्म का कोई मैदे में इन्फेक्शन है या पेट में दर्द है, तो इस कंडीशन में आप फ्लैजल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल सिरप है। तो दोस्तों इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं, देखते हैं इसकी क्या डोजेज है। तो दोस्तों क्योंकि ये 5 ml में 200 mg डायलोड है मेट्रोनिडाजोल, तो इस हिसाब से ये तकरीबन 1 से 3 साल के बच्चे के एज वाले बच्चों के लिए आप आधा चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। जो चाय का चम्मच होता है 5 ml, या आप ऐसे कर सकते हैं कि 50 mg मेट्रोनिडाजोल सिरप आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मकदार आधा चाय का चम्मच बनता है। इसके अलावा 3 से 6 साल के बच्चों या 10 साल तक के लिए आप 1 चम्मच 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे बड़े एज के जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, तो उनके लिए 2-2 चम्मच 3 टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी भी मेडिसिन के यूजेज से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगे और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या उसके डोजेज के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके लिए और बेहतर है, क्योंकि हमारे वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। हम ये वीडियोज़ इसलिए बनाते हैं ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। अगर कोई मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हो उसके बारे में आपको ख़ास जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम ये वीडियोज़ बनाते हैं ताकि आपको पता चले इसके क्या यूजेस है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, इसके क्या बेनिफिट्स है,
इसके अलावा कौन से फार्मा वालों ने इसको तैयार किया, इसकी प्राइस क्या है, इस वजह से हमारी वीडियोस आपके लिए बनाते हैं ताकि आपको इन चीज़ों में कुछ आसानी हो। तो दोस्तों फिर जब रिटेल की जानब चलते हैं, देखते हैं क्या इसकी रिटेल है। 72 रुपीज़ की प्राइस है जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में, और ये सोनोफी इवेंट्स फार्मा वालों ने तैयार किया है। सोनोफी एक बेहतरीन और रजिस्टर्ड कंपनी है। तो दोस्तों ये 90 ml में सिरप तैयार किया गया है, और आप जब भी कोई मेडिसिन अगर मेडिकल स्टोर से परचेस करते हैं तो उसके में आपको ये एहतियात करना है कि उसकी डेट एक्सपायरी आपको चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे दो डेट्स दिए हुए, जो ऊपर सितंबर 2021 है ये इसकी मैन्युफैक्चर डेट है MFG जिसको कहते हैं, और नीचे जो 2023 है ये इसकी एक्सपायरी डेट है। तो दोस्तों मेडिसिन यूज़ करने से पहले आप उसकी एक्सपायरी को याद से चेक करके उसके बाद मेडिसिन इस्तेमाल किया करें। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स की जानब चलते हैं, तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स इतने ख़ास नहीं है, अलबत्त अगर ओवर डोजेज की वजह से चंद साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो ज़ाहिर हो सकते हैं, जैसे वोमेंटिंग वगैरह, उल्टी या नींद का ज़्यादा आना, या इसके अलावा दिल पे बोझ, दिमाग पे बोझ, इस कंडीशन में ये साइड इफ़ेक्ट्स है इसके। तो कोशिश करें ओवर डोजेज से बचें, क्योंकि जितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ओवर डोजेज की वजह से ही होते हैं। और कोशिश करें किड्स में इसको इस्तेमाल ना करें, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो भी किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के मशवरे के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये थी फ्लैजल सिरप के बारे में जानकारी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।